गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर लाएं। हमारा एक भारतीय एजुकेशन नाम से एक बहुत बढ़िया चैनल है, जिसके द्वारा आपको 10th और 12th के जो टॉपिक है बायोलॉजी और साइंस के, उसकी और जो सामान्य विज्ञान है उसकी नॉर्मल जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। हमेशा नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, शिक्षाप्रद जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी आपको पढ़ाई से कक्षा 10 की विज्ञान और इसके अलावा बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, अर्थ विज्ञान, 9th विज्ञान, कोई से संबंधित किसी टॉपिक से आपको कोई समस्या आती हो, पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कोई आंकड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो जो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंचे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे भारतीय एजुकेशन नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट नंबर जो 11 है उसका पार्ट 3 बना रहे हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके थे, ऊर्जा के कुछ रूपों के बारे में हम पढ़ चुके थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है। ऊर्जा का क्षय यानी ऊर्जा नष्ट किस प्रकार से होती है, वैसे नष्ट नहीं कह सकते उसको, यानी कि वो अनुपयोगी हो जाती है। जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है तो ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है ऊष्मा ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में, उस रूप में वो क्या होती है, अनुपयोगी हो जाती है। वैसे नष्ट नहीं होती, अनुपयोगी हो जाती है। लेकिन क्या है कि हम जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में उपयोग करते हैं तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसका कुछ भाग तो हमारे उपयोग में आ जाता है, लेकिन जिसको हम उपयोग में नहीं ले पाते हैं, जिसकी हमारे को आवश्यकता नहीं होती है, वो ऊर्जा क्या रहती है कि अनुपयोगी हो जाती है। वैसे कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन कुछ इस अनुपयोगी क्षय के कारण हम 100% दक्ष निकाय नहीं बना पाते हैं, यानी कोई उपकरण हम 100% जिसको वो पूरी तरह से उपयोग कर सके वो नहीं बना पाते हैं। तो हम ऊर्जा का क्षय है वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार से होता है। देखो, एक तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जब भी कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण, हवा द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है, विभिन्न प्रतिबाधाओं के कारण क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। सामान्यतः जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जिस पर हम कार्य करते हैं वह वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ऊर्जा क्षय का अधिकांश भाग उस ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, जिसकी हम को आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब का हमारा मेन उद्देश्य प्रकाश प्राप्त करना, लेकिन वो क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण ऊष्मा के रूप में वो गर्म होना ऊष्मा के रूप में हो रहा है, तो वो ऊष्मा ऊर्जा हमारा कोई काम में नहीं आती है। एक तो ये हो गया ऊष्मा के रूप में, है ना, एक होता है प्रकाश के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। जैसे विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी होकर क्षय हो जाता है। कि जैसे हम कुछ दहन करते हैं, जलाते हैं किसी पदार्थ को, तो जलाने का हमारा मेन उद्देश्य उससे ऊष्मा प्राप्त करना, जैसे खाना पकाना होता है वो उसके आसपास उजाला भी तो होता है, तो उससे प्रकाश निकलता है तो उसके रूप में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा, टक्कर, घर्षण या अन्य कोई कार्य होते हैं जिसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो टक्कर होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके कारण कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में वो हमारे कोई काम में नहीं आती है। इस प्रकार निकाय में ऊर्जा क्षय को समझने के लिए हम घरों में उपयोग होने वाली एक बिजली का एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। प्रारंभिक बिजली का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, उसके बाद वे नाभ के संयंत्र, कोयला संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, पवन बिजली घर वगैरह, इनके द्वारा विभिन्न माध्यमों के द्वारा ऊष्मा या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर वो उसमें टर्बाइन घुमाया जाता है,
फिर टरबाइन घुमा करके यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त गतिज ऊर्जा के द्वारा जनित्र को घुमाया जाता है। जनित्र के घूमने के बाद में कुछ ऊर्जा सर्व हो जाती है। इसके बाद में टरबाइन के द्वारा जनित्र में विद्युत उत्पादन होता है, उससे विद्युत निकलती है। फिर एक कोयला संयंत्र की दक्षता करीब 40% होती है, 40% विद्युत देने की क्षमता होती है। इसके अलावा हमारे घरों तक पहुँचते घरों तक उसके बाद वो विद्युत हमारे घरों में पहुँचाई जाती है। उसके दौरान संचरण करने में, वितरण करने में और भंडारण करने में भी विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। जब हम घर में लाइट का स्विच चालू करते हैं, समझ गए, लाइट का स्विच चालू करते हैं तो क्या होता है कि विद्युत धारा जो होती है वो बल्ब तक विद्युत ऊर्जा को ले जाती है। विद्युत आवेश बल्ब के फिलामेंट पर पहुंचकर अपनी ऊर्जा उस फिलामेंट को दे देते हैं। जब फिलामेंट में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, क्योंकि वो गर्म हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जो ऊर्जा होती है वो अन्य रूपों में क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि हम पूरी तरह से 100% ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते और ना ही कोई दक्ष निकाय 100% दक्ष निकाय नहीं बना पाते। इस प्रकार वाहनों में आंतरिक दहन इंजन जो होता है, जब डीजल या पेट्रोल का उपयोग होता है तो इनकी रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलती, पहले तो जो डीजल इंजन वाली जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगी, फिर पिस्टन पर वो दबाव बनाएगी, फिर वो पिस्टन घूमेगा, वाहन को स्टार्ट करेगा जिससे वाहन को गति मिलेगी। उसके बाद में इतनी प्रक्रिया में इंजन की दहन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा, पहिया और सड़क के बीच घर्षण के कारण वो गर्म हो जाते हैं तो उसमें ऊष्मा, इसके कारण ये ऊर्जाएं क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। अब इनको अनुपयोगी करने के बाद ऊर्जा का क्षय हो गया अनुपयोगी रूप में, उसको कम करने के उपाय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय क्या क्या उपाय हो सकते हैं कम करने के, कैसे हम ऊर्जा क्षय को हम कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ऊर्जा क्षय को कम। जैसे ऊष्मा वैसे तो हमारे जीवन का मुख्य आधार बन गया और समुचित उपयोग में लेना हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऊर्जा को उपयोग करें, उसको अनुपयोग ना होने दें। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए तो क्या है कि ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अधिकतम दक्षता के साथ करें और अनावश्यक ऊर्जा क्षय को हम क्या करें, रोकें। किसी कार्य को करने के दौरान ऊष्मा ध्वनि प्रकाश घर्षण आदि से होने वाली ऊर्जा क्षय को जितना हम कम कर सकते हैं उतने ही अधिक ऊर्जा का कार्य करने की क्षमता हमारे में आएगी, पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। किसी कार्य को संपन्न करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो, अगर किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प हैं, उपाय हैं, तो हमको उस विकल्प को या उस उपाय को चुनना चाहिए जिसमें ऊर्जा दक्ष अधिक हो, यानी जो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को उपयोग कर सके, है ना। घरों में उपयोग में आने वाली विद्युत युक्तियां जो होती है, जैसे टीवी है, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन है, इनको जब उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो इनको आपातकालीन अवस्था में, यानी स्टैंड बाय मोड अवस्था में इसको रखने से कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। जब इन्हें उपयोग में नहीं लेना हो तो इनके स्विच बंद कर देने चाहिए, इनके प्लग जो होते हैं वो मेन स्विच से बाहर निकाल लेने चाहिए। वर्तमान में हम क्या करते हैं, वाहन, पंखा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन, वातानुकूलन जैसे एसी वगैरह, या कोई विद्युत साधित्र जो होते हैं, स्टार रेटिंग दी जाती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इतनी रेटिंग दी जाती है। ज्यादा स्टार रेटिंग वाले जो उपकरण होते हैं वो ज्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं, यानी कम ऊर्जा खर्च करते हैं, ज्यादा हमारे को वो उपयोगी बनाते हैं। ऊर्जा दक्ष आदित्य करीब 30% तक कम बिजली की खपत करते हैं। जो ऊर्जा दक्ष आदित्य होते हैं, ज्यादा रेटिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं 30% तक कम बिजली की खपत करते हैं। साथ ही हम उतनी ही क्षमता का आदित्य खरीदना चाहिए, उतनी ही क्षमता का उपकरण हमको खरीदना है जितनी हमारी आवश्यकता हो, आवश्यकता से ज्यादा ना खरीदे, ना ही उसको उपयोग में ले। अनावश्यक रूप से ज्यादा क्षमता का उपकरण खरीदने से क्या होता है कि ज्यादा ऊर्जा की उपयोग होगी, ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होगा। बिजली उपभोग कम करने के लिए हमें घरों में कौन से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, सीएफएल जो और या एलईडी, सीएफएल या एलईडी लाइटों का उपयोग करना चाहिए। एक सामान्य बल्ब जो होता है, एक तो सामान्य बल्ब की इन तीनों की हम तुलना करते हैं, सामान्य बल्ब और सीएफएल और एलईडी, एक तो सामान्य बल्ब हम लगाते हैं, एक सीएफएल हम लगाते हैं, एक एलईडी हम लगाते हैं। इन तीनों का जब हम लगाते हैं तो इनकी हम तुलना करते हैं तो जो बल्ब होता है वो 1200 घंटे की औसत सेवा देता है। ये बल्ब होता है 1200 घंटे की औसत सेवा देता है, यानी 1200 घंटे तक ये चलता है करीब, जबकि सीएफएल जो होता है वो 8000 घंटे तक चलती है लगभग। और जो एलईडी होती है उसकी क्षमता और भी ज्यादा होती है, 50000 घंटे की होती है। और
ये 100 वाट का हो, ये 10 वाट का हो, ये 5-7 वाट की हो, तो बराबर ये प्रकाश भी देती है। ले ये जो होते हैं, ये तो जैसे एक तो हम यूज करें 60 वाट का बल्ब, है ना, इसके अलावा हम 15 वाट का CFL यूज करें, 60 वाट का बल्ब यूज करें या 8 वाट की LED यूज करें, तीनों एक समान प्रकाश देते हैं, बिजली कम खर्च होगी LED के अंदर। इसके अलावा एक तो ये हो गया, इसके अलावा गर्मी और सर्दियों में वातानुकूलक के और मकानों में जो ऊष्मा विनिमय वाला जो होता है, ऊष्मा विनिमय वाले जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो हमको ऐसे घर बनाने चाहिए कम करने के लिए, हमें घरों की दीवारों को ऊष्मारोधी बनाने चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करते हैं, वातानुकूलक होने वाले खर्च पर कमी आएगी। जैसे तकनीकी आजकल तकनीकी खोखली ईंटें बनाई जाती है, जिससे एक दो घरों का वजन भी कम रहता है और कुछ अलग का कार्य करती है वायु, जिससे ऊष्मा अंदर के अंदर बाहर की बाहर रहती है। इसके अलावा हमें प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए, है ना, वर्षा काल में बरसने वाले पानी को एकत्रित करके उसको काम में लेना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास वो है उपयोग है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जहाँ संभव हो हम सभी को मिलकर के ऊर्जा क्षय को कम से कम ऊर्जा क्षय करना चाहिए। इसके अलावा जिसके हमारे पर्यावरण को क्या हम बेहतर रख सके, जैसे इस लॉकडाउन के अंदर है ना साधन कम चले, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की खपत कम हुई, प्रदूषण ठीक हो गया, बीमारियां कुछ हद तक कम हुई, तो बहुत सारा हमको फायदा मिला। तो जहां तक संभव हो हम सभी का कर्तव्य है कि हम ऊर्जा क्षय को कम से कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पावर अर्थात शक्ति, जिसको हम पी से व्यक्त करेंगे शक्ति को। अब तक हमने पढ़ा कार्य जो है इस पर निर्भर नहीं करता कि उसे किस तरह से किया गया है। किसी दो स्थान है ए और बी, जैसे दो स्थान है एक ये है एक ये है ए और बी, तो उनके बीच की दूरी तय करने में जो किया गया कार्य है वो समान होगा, लेकिन एक व्यक्ति उस दूरी को, जैसे दो व्यक्ति इस दूरी को तय कर रहे हैं तो दोनों को समान समय लगेगा समान कार्य करने में लगेगा, लेकिन एक व्यक्ति तो उसको दौड़ करके पूरी कर रहा है और दूसरा थोड़ा धीरे और दूसरा उससे तेज दौड़ करके पूरी कर रहा है, तो कम कार्य करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है तो उसको कम कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कार्य संपन्न करने की दर को ही हम क्या कहते हैं शक्ति। तो कार्य की तरह शक्ति भी एक अदिश राशि होती है। कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर का मतलब हो गया डब्ल्यू बटा पावर कार्य समय, तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, यानी इसको हम वाट भी कह सकते हैं, वाट में भी लिख सकते हैं। कार्य जो होता है W बराबर वो F डॉट S के, यानी F गुणा S के बराबर होता है, तो हम क्या लिख देते हैं P बराबर F गुणा S बटा T, है ना, ये हो गया। और जो गति के समीकरणों से हमें प्राप्त होता है वो होता है विस्थापन, यानी जो वेग होता है वो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी s बटा t ये होता है। तो s बटा t, ये वाला s बटा t इसकी जगह हम रख देते हैं f v, f v हो गया, f जो होता है f वो m a, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसकी जगह m a रख देते हैं, तो क्या हो गया m a v, अर्थात p जो है वो क्या m a v के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम इसका शक्ति का आकलन कर सकते हैं। जैसे एक एचपी का मान होता है 746 वाट के बराबर, एक किलोवाट जो होता है वो होता है 1000 वाट के बराबर। शक्ति का मात्रक वैसे तो जूल प्रति सेकंड होता है, लेकिन भाप के इंजन का जो जनक था आविष्कारक था जेम्स वाट, उनके सम्मान में इस शक्ति का मात्रक क्या रख दिया गया वाट दर्शाते हैं, डब्ल्यू से उसको व्यक्त करते हैं, समझ गए। अन्य मात्रकों में अश्व शक्ति जिसका 746 वाट हो गया है, एक एचपी जैसे हमारे मोटर बोरिंग की जो मोटर होती है वो आती है 1 HP 2 HP 5 HP 10 HP 12 HP, तो 1 HP का मान जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अब हम बात करें विद्युत शक्ति की, वो केवल शक्ति, ये विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति में क्या है, यांत्रिक शक्ति की तरह ही ये जो पहले हमने पढ़ी उस शक्ति की तरह ही विद्युत शक्ति भी कार्य करने की ही दर से ही मापी जाती है, कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति का मात्रक भी वही होगा वाट, लेकिन वाटेज शब्द सामान्य भाषा में विद्युत शक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है, वाटेज कहते हैं उसको, है ना। क्यू कूलम आवेश, यदि क्यू कूलम आवेश का एक आवेश टी सेकंड में,
टी सेकंड में वी वोल्ट विद्युत धारा, वी वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, तो जो विद्युत शक्ति होगी वो होगी क्या, वही डब्ल्यू बटा टी होगा, है ना। लेकिन डब्ल्यू का मान हो गया वो वी क्यू के बराबर, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया वी क्यू, तो क्या हो गया वी क्यू बटा टी, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कार्य करने की दर के द्वारा है, लेकिन इसमें कूलाम्ब के अनुसार हम चलते हैं, तो डब्ल्यू बराबर वी क्यू होता है, तो वी क्यू बटा टी। आई बराबर जो हो गया, आई बराबर हमने पढ़ा पाठ के शुरू में, आई बराबर क्यू बटा टी, तो ये क्यों बटा टी है, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, आई रख देते हैं, तो वी आई हो गया, वी बराबर वी आई हो गया। इसमें क्या होता है कि विद्युत शक्ति सामान्य विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों में विद्युत जनित्रों के द्वारा प्राप्त होती है, कई बार विद्युत बैटरी से विद्युत शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, और व्यावसायिक रूप से विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत उपभोग का खर्च किलोवाट घंटा के रूप में, एक किलोवाट घंटा के रूप में हमारे से वसूल किया जाता है यूनिट। इस एक किलोवाट घंटा का मतलब हो गया एक यूनिट, यूनिट के रूप में हमारे से जो कंपनियां होती है किलोवाट घंटा के रूप में, उसके रूप में हमारी क्या करती है बिजली का खर्च हमसे लेती है। एक यूनिट बराबर एक किलोवाट घंटा हो गया। अब इसको हम अगर जूल ऊर्जा में बदले तो एक किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट एक गुणा हजार, है ना, एक गुणा हजार बटा घंटे के सेकंड में बदलो तो 3600, तो क्या हो गया ये 3.6 × 10⁶ जूल प्रति सेकंड, ये हो गया जूल, जूल में आ गया सेकंड से सेकंड पर, तो ये हो गया हमारे पास एक किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या हो गई 3.6 × 10⁶। निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए एक किलोवाट जो हजार वाट का बल्ब है, यदि उसको एक घंटे तक जलाया जाए, एक किलोवाट का कोई बल्ब है उसको एक घंटे तक जलाया जाए, तो एक यूनिट उपयोग होगा एक घंटे में, तो एक 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाया जाए, 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाया जाए तो भी कुल विद्युत उपयोग कितना होगा, एक मिनट, वही बात। अब इसमें ये हमारा विद्युत शक्ति का पॉइंट हो गया, इससे हम विद्युत खर्च की गणना आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें कुछ आंकी क्वेश्चन है, जैसे एक 60 kg का व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसका द्रव्यमान है वो 60 kg है, है ना, 30 सेकंड में, टी का मतलब हो गया 30 सेकंड, ये केजी हो गया, 5 मीटर ऊंचाई तक, एस बराबर 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना करनी है, तो शक्ति की गणना करनी है 10 मीटर प्रति सेकंड² दे रखा है, और हमको पी हमको ज्ञात करना है। व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg, तय की गई दूरी 5 मीटर, एस ले लो या एच ले लो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, और टी साइड 30 सेकंड है, तो P बराबर होता है W बटा T, है ना, और W का जो मान होता है वो MgH के बराबर हम देख लिया स्थितिज ऊर्जा में, तो MgH बटा T, M का मान 60, सारे अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कोई दिक्कत नहीं, G का मान है 10, H का मान है 5 और T का मान आ गया 30, काट दीजिए 3 × 6, तो ये हो गया 20 मतलब 100, क्या आ गया 100 वाट, वाट में आएगा P बराबर, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, है ना। आंकी क्वेश्चनों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं, पहले जो दिया वो होता है वो रखना होता है, फिर क्या पूछा है वो रखना होता है, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लगा के हल करना है। सुरेश और रमेश दो है, एक है सुरेश और एक है रमेश, दो व्यक्ति हैं, एक 15 मीटर ऊंचाई पहाड़ी पर चढ़ते हैं, दोनों के लिए ऊंचाई क्या है 15 मीटर, दोनों के लिए ऊंचाई है वो 15 मीटर है। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में, इसको लगते हैं इस कार्य को करने में 19 सेकंड रमेश को, और 19 सेकंड में ही सॉरी 19 सेकंड में पहुंचता है रमेश पहुंचता है 19 सेकंड में, और सुरेश जो है वो 15 सेकंड में ही कार्य करता है। अब हमको पूछना है दोनों में से प्रत्येक का वजन, यानी इसका भी वजन क्या है 38 kg और इसका भी जो वजन है वो है 38 kg, दोनों का वजन लगभग बराबर है, तो उनके द्वारा तय व्यय की गई जो है वो शक्ति हमको ज्ञात करनी है। जी का मान इसके भी 10 m/s² और इसका भी 10 m/s² और इसके लिए हमको शक्ति की गणना करनी है, तो हम क्या करना है वही दोनों के द्वारा पी बराबर डब्ल्यू बटा टी अर्थात एम जी एच बटा टी, एम का मान 38, जी का मान 10, एच का मान 15 और टी का मान 15, 15 से 15 कट गया, इसका आ गया 380 वाट, और इसका लगा हुआ पी बराबर हुआ डब्ल्यू बटा टी अर्थात एम जी एच बटा टी, एम का मान 38, जी का मान 10, एच का मान 15 और टी का मान 19 × 38, 15 × 30, 30 × 60, 600 वाट। शक्ति किसने ली ज्यादा,
मतलब एक के द्वारा तो 380 वाट हो गया, सुरेश के द्वारा, सुरेश के द्वारा 380, रमेश के द्वारा 300 वाट, 600 वाट हो गया। तो हम इनको हल कर लेंगे। इसके बाद में हमारे इससे संबंधित कुछ आंकी क्वेश्चन हमारे इस पार्ट में दे रखे हैं, आंकी प्रश्न पार्ट के अंदर भी दे रखे हैं। पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, जो कार्य शक्ति और विद्युत का है वो कंप्लीट हो गया है। आंकिक प्रश्न है पाठ के पीछे पेज नंबर 161 पे, 1 से 10 तक आप इनको हल करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस पाठ में से मैं आपको बता दूं 99% संभावना है आंकिक प्रश्न आने की, ज्यादातर आंकिक प्रश्न ही आता है। तो आंकिक प्रश्नों को हल करो और इजी वाला आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन जो 10 आंकिक प्रश्न दे रखे पाठ के अंदर दे रखे उनको हल कीजिए। कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, आपसे क्या समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरूर, मैं जरूर आपको उसका समाधान बताऊंगा, हल करके बताऊंगा, बाकायदा वीडियो डालूंगा कि इसमें ऐसा हल होगा। कोई समस्या आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, कोई समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इस वीडियो के द्वारा हमारा जो फिजिक्स के जो टॉपिक थे 9, 10, 11 वो कम्प्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 से 5, 6, 7, 8, ये जो 4 पार्ट है वो केमिस्ट्री, ये जो 11 पार्ट है 4 नंबर का, इसमें ज्यादातर 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आंकी प्रश्न ही पहुंचे जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको निकालने की कोशिश करें, सूत्र याद करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक नंबर का क्वेश्चन और बनता है तो उसमें आप छोटा क्वेश्चन याद करें, जैसे मात्रक वगैरह है, कुछ सूत्र वगैरह है, वो जरूर याद करें। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हम पहले भी वीडियो डाल देंगे इससे संबंधित, 9वें पार्ट से, 10वें पार्ट से, 11वें पार्ट से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो हमको जरूर अवगत करवाएं कमेंट बॉक्स में डाल करके। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब हमको बताएं, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। धन्यवाद।